हेलो स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी शर्मा गवर्नमेंट वुमेन्स पॉलिटेक्निक कॉलेज उदयपुर में लेक्चरर हूँ। मैं आपको कॉमन डिसऑर्डर ऑफ स्किन हेयर एंड स्कैल्प सब्जेक्ट की यूनिट थर्ड के टॉपिक प्यूबिक लाइस के बारे में बताने वाली हूँ। प्यूबिक लाइस हेड लाइस या बॉडी लाइस से अलग होती है। इसकी शेप क्रेब जैसी या केकड़े जैसी होने के कारण इसे क्रेब लाइस भी कहते हैं। प्यूबिक लाइस का टेक्निकल नेम थायरस प्यूबिक होता है। ये लाइस साइज में बहुत छोटी होती है, लगभग 1.6 मिलीमीटर से लेकर 2 मिलीमीटर तक प्राइस का साइज होता है। ये जेनाइटल एरिया या प्यूबिक एरिया में पाए जाने के कारण प्यूबिक लाइस कहलाती है। लाइस मनुष्य के ब्लड से अपना फीड लेती है और अफेक्टेड एरिया में तीव्र खुजली का कारण होती है। ये यूजुअली प्यूबिक हेयर में पाई जाती है तथा सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलती है। इसके अलावा ये कपड़ों यानी क्लोदिंग, टॉवल तथा बेडिंग पर गिरे हुए बालों की वजह से भी फैल सकती है। प्यूबिक हेयर के अतिरिक्त ये कभी कभी आईलैशेस, आर्मपिट हेयर दाढ़ी के बालों में भी पाई जाती है। ये हेड लाइस या बॉडी लाइस की तुलना में छोटी होती है। प्यूबिक जनरली होस्ट के बालों से डेड हो जाने के अलावा नहीं रहती है, क्योंकि इसके शुरू के दो ट्रैप के समान पंजे कोर्स बालों को पकड़ने के लिए डिजाइन होते हैं। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जंप करके या फ्लाई करके नहीं पहुंच सकती। हेडलाइन से अलग प्यूबिक लाइन स्कैल्प पर नहीं रहती है और साथ ही अन्य दोनों तरह की लाइन की तरह ये पैट्स यानी डॉग्स और कैट्स के द्वारा ट्रांसमिट नहीं होती है। एडल्ट प्यूबिक लाइन लगभग 2 मिलीमीटर की होती है और आसानी से नजर नहीं आती है। ये येलोइश ग्रे कलर की या डस्की रेड कलर की यानी गंदले लाल रंग की होती है। इसके 6 पैर होते हैं। प्यूबिक लाइस को क्रेब भी कहा जाता है, क्योंकि इसके आगे के दो बड़े पैर क्रेब के पंजों के जैसे होते हैं, जो बालों के बेस को होल्ड करते हैं। लाइस अपने एग्स या नेट्स सैक में देती है, जो कि बालों से फर्मली चिपके रहते हैं। ये नेट्स हल्के ब्राउनिश कलर के होते हैं और जब हैच हो जाते हैं तो खाली एग सैक वाइट कलर के हो जाते हैं। नेट्स 10 दिन में हैच हो जाते हैं और उनमें से नन्ही भ्रूण निकलती है, जिसे एडल्ट होने में लगभग 2 वीक लगते हैं। ये लगभग 25 दिनों तक जीवित रहती है। शरीर पर बाल अधिक होने की स्थिति में ये धड़ वाले एरिया में यानी टॉर्सो एरिया में भी पाई जाती है। प्यूबिक लाइस की उपस्थिति के लिए जो लक्षण या सिम्टम्स होते हैं उनके बारे में आपको बताती हूँ। पहली बार प्यूबिक लाइस का इंफेस्टेशन होने के लगभग 5 दिन बाद प्रभावित व्यक्ति को प्यूबिक रीजन में एनस में ईचिंग होती है। ये ईचिंग रात के समय अधिक तीव्र हो जाती है, क्योंकि रात के समय लाइस ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। ईचिंग सबसे कॉमन सिम्टम है और ये जो लाइस है उसके सलाइवा के एलर्जिक रिएक्शन की वजह से होता है। ईचिंग के अलावा प्यूबिक लाइस के कुछ कॉमन सिम्टम्स निम्न हैं। इसमें हल्का बुखार रह सकता है और स्किन में इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन हो सकती है। शरीर में एनर्जी की कमी हो सकती है। जहाँ पे लाइस ने बाइट किया होता है उसके पास की स्किन में ब्लूइश स्पॉट्स पाए जाते हैं। अत्यधिक खुजली यानी एक्सेसिव ईचिंग की वजह से अफेक्टेड एरिया में घाव व इन्फेक्शन हो सकता है। स्किन पर छोटे रेड बम्स या स्पॉट्स पाए जा सकते हैं। इसके अलावा थाइज और लोअर एब्डोमेन में ब्लू स्पॉट्स पाए जा सकते हैं। अब कॉजेज ऑफ प्यूबिक लाइस या किन कारणों से प्यूबिक लाइस हो सकती है। प्यूबिक लाइस अन्य दोनों लाइस की तरह ना तो उड़ सकती है ना ही जंप कर सकती है। ये सिर्फ क्रॉल करके एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुँच सकती है। किसी भी प्रकार की सेक्सुअल एक्टिविटी से ये फैल सकती है। इन्फेक्टेड पर्सन के टॉवल, बेडिंग, कपड़े इत्यादि यूज करने से फैल सकती है। यह हाथ के द्वारा एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक भी स्प्रेड हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि इन्फेक्टेड व्यक्ति प्यूबिक हेयर को टच करने के बाद आईलैशेस या आईब्रोज को टच करे तो यह वहां भी। अब प्यूबिक लाइस से किस तरह से बचा जा सकता है, क्योंकि ये ऐसा इन्फेस्टेशन है जब हो जाता है तो काफी तकलीफदेह होता है। प्यूबिक लाइस के इन्फेस्टेशन को अवॉइड करने के लिए प्यूबिक लाइस से इन्फेस्टेड व्यक्ति
क्लोथ्स, बेडिंग तथा टॉवल्स यूज ना करें, यानी उसकी जो पर्सनल चीजें हैं वो यूज करने से अवॉइड करें। इन्फेस्टेड व्यक्ति द्वारा पहने हुए कपड़े तथा यूज की गई बेडिंग को गर्म पानी में, जिसका तापमान लगभग 55 डिग्री सेंटीग्रेड हो, से वॉश करें तथा हाई हीट पर ही सुखाएं। ऐसे कपड़े वे वस्तु हैं जिन्हें वॉश नहीं की जा सकती, उन्हें ड्राई क्लीन के बाद प्लास्टिक बैग में ओआर सील करें और 2 वीक के लिए स्टोर करें। तो कुछ ध्यान रख के और कुछ एहतियात रख के हम लाइस जैसे इन्फेस्टेशन से बच सकते हैं। और इनके कारण और सिम्टम्स तीनों प्रकार की लाइसेस के मैंने आपको बताए हैं पिछले लेक्चर्स में भी, तो इनके द्वारा इन इन्फेस्टेशन से बचा जा सकता है। ओके, हैव अ गुड डे।